हाँ भाई, कैसे हो सारे? मेरा नाम है समय। तो आज हम शूट कर रहे हैं व्लॉग, बड़े टाइम बाद व्लॉग शूट कर रहा हूँ। और मैं एडिटिंग भी अब धीरे धीरे व्लॉग में पोस्ट भी, मुझे पता है कि मैं बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ। मुझे काफ़ी लोग मैसेज कर रहे हैं कि भाई व्लॉग क्यों नहीं आ रहे। तो भाई इस समय काफ़ी ज़्यादा लोड हो रखा है, क्योंकि मैंने बताया था जैसे कि मेरे 9-9 सब्जेक्ट हो चुके हैं। तो आज हमारी क्लास भाई जल्दी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि आज 17 नवंबर की है। तो बेसिकली कल इनकी छुट्टी होती है, लाटवियन की डे की होता है इनका फ्रीडम इंडिपेंडेंस डेट ऐसा होता है। तो इसलिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है इन लोगों के लिए। तो आज जैसे एक दिन पहले 2 घंटे पहले ख़त्म हो जाती है क्लासेस और सब यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है, क्योंकि हमें पता नहीं था। तो इसलिए हमारा लेक्चर थोड़ा कैंसिल हो गया, काफ़ी अच्छी बात है। तो फिर हमने एकदम से प्लान किया कि चलो भाई आज कुछ चलते हैं। तो अभी प्लान बना है बॉलिंग खेलने जाने का, पर मेरा दोस्त जिसको फ़ोन किया वो ऑलरेडी शूटिंग रेंज में जाने वाला था। तो मैंने कहा भाई वो भी दिखाएंगे, काफ़ी मज़ा आएगा फिर तो बिल्कुल चलेंगे। और वो भी मैं दोनों चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा जितनी चीज़ें आप दिखा पाते हैं। और बाकी वैसे इनका कल नेशनल डे है भाई, जो हॉलीडे होती है ना, उस पर आप जैसे किसी कंपनी वगैरह में अगर काम करते हो, जहाँ पे जैसे ये KFC वगैरह जो होते हैं, या जो ऑनलाइन वाली गेम्स वाली जो काम होता है जैसे हमारा, तो उसमें डबल पे होती है आपकी बेसिक सैलरी पे। ये अच्छी चीज़ होती है। और प्लस और जैसे भी होता है, रूल होता है उस दिन कि हर हर घर या हर चीज़ बिल्डिंग के सामने लाटविया का झंडा होना चाहिए, वरना फ़ाइन लगता है। तो इसलिए लोग क्या होते हैं, इतने आलसी हैं। तो आप जब आओगे यहाँ पे आपको हर बिल्डिंग के आगे झंडा मोस्ट प्रोबेबली दिखेगा ही, क्योंकि वो वरना भूल ना जाए और फ़ाइन ना लग जाए, इसलिए ऑलरेडी झंडा लगा के ही रखते हैं। चलते हैं भाई। और काफ़ी ठंड हो चुकी है, अभी समय 2 डिग्री हो रहा है। मेरे हाथ बिल्कुल ऐसे सुन्न हो गए, आप देख भी सकते हो कि मैं हाथ थर थर आ रहे होंगे, तो इसलिए वीडियो का थोड़ा कैमरा भी ऐसा सा आ रहा होगा। और लाइट भी थोड़ी हैवी हो गई है, ये इसलिए भाई क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड, पूरी मैक्स इतनी ठंड मैंने भी आज तक नहीं झेली, क्योंकि मैं पिछली बार इंडिया चला गया था। तो इस समय फील्स लाइक में गूगल पे वो -2 दिखा रहा है। और सैटरडे को बोल रहे हैं कि आज क्या है थर्सडे, तो सैटरडे को बोल रहे हैं कि बर्फ़ होगी भाई। तो बिल्कुल देखते हैं अब कैसा होगा सीन, बताते हैं आपको। तो भाई ये है, ये किप्साला के पास ही अपना, वैसे आपको पता है ये एक ब्रिज है, ये आधा ब्रिज बना है अभी, अगर आप देखें तो। एक सेकेंड भाई, ठंडी हो रही है, मेरे हाथ कांप रहे हैं। ये ब्रिज सिर्फ इतना ही है। अभी यहाँ पे मूवी भी शूट हुई थी एक इनकी लाटकन वाली, तो अब ये पता नहीं लाइट कहाँ गई। ओए अब आ रही है थोड़ी और, आप ठीक है? तो यहाँ से शायद है गन रेंज वाला, अभी चल के देखते हैं। ये रही जैसे गन रेंज .lv करके आप देख सकते हैं, ये है इनकी सराउंडिंग है। तो यहाँ पे भाई अंदर अब खुला है, तो चलते हैं ज़रा भाई साहब। तो ऐसा सा है, यहाँ पे है ग्लासेस और ये कान पे लगाने के लिए, और क्या क्या हमें चूज़ करना है, ठीक है देखते हैं। तो अंदर जब आप आते हैं तो आप अंदर जाएंगे तो आपका RP लगेगा, आपको वो डिटेल्स लिखेंगे। और बस अभी तो ये लिया, फिर थोड़े साइन वाइन होंगे और बस। बाकी बड़ी अंदर सी गहरी सी जगह गुफा में है भाई ये, हर जगह भाई सिक्योरिटी कैमरा बहुत है और ऐसा सा ही है। Place pistol, the best pistol in the world in this time. Okay. And why is the best? Safety is in the trigger, you know. Mm-hmm. Without safeties, if fingers stay this position only. Okay. Yeah. Yes. Okay, it will go stay inside. Yeah. And if you do that again, then only it will come. Okay. Next one. The same system, Walter, German. Yeah. ये रही है favorite ice cream. देखते हैं इसमें क्या। मस्त है भाई, मजा आ रहा है। अच्छा भी। इजरायली गन है भाई ये वाली। मस्त। ये बोलता है ये लड़कियों की फेवरेट गन है, क्योंकि बहुत हल्की भी है और लड़कियों के हाथों में बहुत अच्छे से फिट उठ बैठती है।
लाइक अगर किसी के जैसे मेरे भी मान लो नॉट गर्ल्स बिकॉज अगर मेरे भी छोटे हाथ हैं जैसे तो उनके हाथों में भी अच्छी बैठेगी बढ़िया भाई और हल्की भी है काफ़ी तो ये रिवॉल्वर है तो ये बोला कि एक जो गोली होती है 2 यूरो पर की होती है और ये 3 की रिवॉल्वर से इसमें वो नहीं है इसमें जैसे नॉर्मल तो ये है इसमें शॉट गन भाई जो है अच्छा पूरी आगे तक जानी थी so the stronger strongest here from this three अरे पूरी जान लगेगी इसमें भाई भाई ने बिल्कुल माहौल बना दिया इतने तो इतनी सारी मैंने सोचा था एक एक दो दो गोली करने आऊँगा बस सिर्फ दिखा देखने आया था पहला प्लान था देखने का अब इसने प्लान चेंज किया कहते एक एक दो दो गोली कर लेना अब भाई ने इतनी गोलियाँ वो कर ली हैं कि भाई साहब एक की हमने जो पिस्तल की हमने 16 गोलियाँ ली है ठीक है और एक फिर हमने वाई फिर हमने जो एक शॉट गन की लिए 8 एक और जो सेमी ऑटोमेटिक गन की एम और असॉल्ट राइफल है उसकी 8 ली हैं फिर एक और की 8 ली हैं वो उनकी प्राइजेस 3 पर बुलेट है और इन जो पिस्तल है उसकी प्राइस 2 पर बुलेट है जो साइगा थी एक जो हमने चलाई थी सेमी ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल उसके भी 2 के है ना उसके भी उसके हिसाब से 3 के हिसाब से है बाकी चलो आपको इतनी गोलियों का बताएं कि प्राइस कितना बनता है तो भाई ये देखो फुल माहौल बन रखा भाई साहब के हर वर्षे का आज तो भाई ये देखो मारेंगे उस बंदे ने बोला उसका शक्ल नहीं दिखाना भाई सब गोली सुनना आवाज धाकड़ आवाज ठीक है आदि मजा आएगा शाबाश समझ वो बुड्ढा है सामने जिसने बैडमिंटन में हराया था चीटर या प्रिपेयर योरसेल्फ वुड वुड हां सॉरी या स्ट्रांगर या कैन या स्ट्रांग या फाइन या You must to find. Continue. भाई आ गिरा है. Continue. Yeah, take out magazine. Yeah. भाई मार. Prepare yourself for fight. And fire. Slowly. Okay. It went up. No. It's in the fast mode. Yeah. And fire. Slowly. Yeah. Continue. Very good. Continue. ठीक है क्या बात है भाई साहब ये पहली गोली थी मेरी पहली वाली वो आंसू निकल रहे हैं ऐसे लग रहा है इसको भी काउंट कर लेते हैं ये नुकसान हो गई कोई बात नहीं भाई दिल्ली से है तो भाई ये देखो अब ये वाली है
अब पहले वाली जो गंद भी दिखाई थी ना जस्ट वो खराब हो रही थी, वो कह रहे ये नहीं लेंगे, ये वाली सही सिखाएंगे। कैसे स्टेबिलिटी फाइन ओके फायर भाई साहब मजा आ गया। सावन भाई की बारी अब भाई, धप करके मारा, मैं तो पता भी चली कहाँ मारी है मैंने, किधर गई बुलेट, धक करके था पर कंधे पे आया नहीं भाई जोर, है ना ऑन फायर, ये तो हो सकता है हमने बॉडी में लिया पूरी। तेरी सावन भील गया अब। अरे भाई साहब गजब, मैं पूरी पटाखों वाली आ रही है, नहीं लगी लगी, मुझे भी नहीं लगा कि मेरी लगी है कहीं। और ये भाई ये भाई गरम गरम सी आ रही है, मतलब मस्त बारूद वाली स्मेल, मजा आ गया भाई। ओके गाइस भाई साहब फाइन 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 अगली की बारी है, अब ये शॉटगन की, शॉटगन एक ही टारगेट या मैंने ना ये लॉक पिछली बार ज्यादा जान से नहीं की थी। फायर भाई साहब फास्ट नो या कंटिन्यू, क्या निकला उसमें फायर इससे भाई कंधे पे जोर आ गया। टू फोर यू हैव आइस या या ही विल डू फोर फोर या ही विल डू फोर कम कर लेता हूँ ना ना ठीक है कर 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 मजे कर अब मत सोच पूरा गुस्सा उतार दे अब निकाल दे लास्ट चांस गुड फ्रेंड्स फॉर गुड फ्रेंड अमीर आदमी हमारा यही कर सकता है तो फिर नहीं है इतने मेरे इसने नीचे करा दिया मुझे लग रहा है इसको अपनी लाइटों का था कि फट ना जाए इतने भी थोड़ी है वैसे चलो सावन की बारी अच्छा ये तो स्नेजल टाइप किया भाई इसमें, तो ये देखो ऐसे ऐसे जा रहे हर जगह भाई, छेद दिया मैंने मजा आ गया भाई यार पर ये एक और रख देता नीचे, हमारे इसमें दो है यार और अपन तीन है, ये देखो पीछे से इसके ऐसा होता है, और ये दीवारों पे भी लगी है भाई, मेरी भी दो लगी हैं इस पे, या तो कोई या तो एक ये होगी आई गेस, और आई थिंक या उनमें से इनमें से भी है, वरना तो नहीं, वरना आधी की ऐसे आई है, एक ये लगी है वो वाली, एक ये लगी है, पूरा फाड़ दिया भाई इसने, चीर कर दिया बिल्कुल, पर मेरे में ऐसे नहीं दिखा रहा वो यार, ये लाइट क्यों आ रही है ऐसी, अब देख रहे हो ना मतलब भाई यहाँ पे इन्होंने मीटर वो लगा रखे थे, तो ये मतलब 20 मीटर की लाइन है, तो ये वाली जो हमने वो चलाई शॉटगन यहाँ से चलाई है 20 मीटर से, और जो ये हमने असॉल्ट राइफल चलाई थी वो वाली वो यहाँ से चलाई थी, और जो मैंने चला आधी का फिर कोने कोने में लग गया, पर मेरा शायद थोड़ा सा बाहर निकल गया उसमें नहीं लगा है तो, और सावन का भी हल्का सा बाहर निकल गया, तो मतलब हम में से सबसे अच्छी गोली आधी की चली है, पर जो वो थी नॉर्मल पिस्टल सावन ने बहुत तगड़े शॉट मारे, क्योंकि हमने शायद यहाँ से मारा था, हमने 7 मीटर से मारा था, हमने यहाँ से मारा था ना, वो ग्रीन से मारा था ना 7 मीटर से, और सावन ने शायद 10 मीटर से मारा था, तो इसलिए सावन को विनर कहेंगे हम उसमें पिस्टल में। तो भाई हमने ये रख लिया है बिल्कुल, और हमने ये हाँ ये वाला बटन हाँ, तो हमारे लगे भाई 74-0, क्योंकि हमारी एक गोली खराब हो गई थी 3 बंदों के, कोई नहीं वो हम अभी देख लेंगे, तो मज़ा बड़ा आ गया, पर भाई दिल से ऐसे लग रहा है मतलब कुछ अलग ही एक्सपीरियंस हो गया, तो करने के बाद आप समझ सकते हैं, तभी आप सभी लोगों को भी मज़ा आएगा भाई, एक बार तो ज़रूर बनता है, मज़ा आ गया भाई काफ़ी, और उसने अरे
हट जा। तो और गोली जो थी ना, जैसे रिकॉयल होता है ना, उसमें से निकलता है, तो वो हमने अपने पास रख लिया था। ऐसे जेब में से सिक्के की जगह गोलियां बज रही है भाई साहब, अलग ही सीन आ गया, मजा आ गया, गैंग वाले मिलने वाले मजा आ गया। चलो भाई अब चलते हैं, अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अब बॉलिंग वाली अगली दिखाएंगे आपको भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर। तो इसलिए तो वीडियो इतनी सी भी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सिया, गुड बाय। मेरे कार में टेन हो गई।